बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुंबई में आज चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान अमित शाह ने विजय संकल्प रैली में दरअसल जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान शाह ने विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया और कश्मीर से धारा 370 हटाने को ऐतिहासिक कदम बताया। शाह ने दावा किया कि धारा 370 हटाने के साथ ही बीजेपी ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने बयान दिया कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और कहा कि भारत में आतंकवाद आने के पीछे धारा 370 का ही बड़ा हाथ था। पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबीलाइयों के रूप में पाकिस्तान की सेना ने हमला किया। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत के साथ किया। 27 अक्टूबर को सेना गई, सेना जीती गई। धीरे 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 पाकिस्तान की सेना को खदेड़ते गए, जीतते गए, जीतते गए। एक दिन अचानक देश के बड़ा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने युद्ध विराम घोषित कर दिया। मित्रों, आज हम सब चाहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा हो। चाहते हो या नहीं चाहते हो, जरा जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मित्रों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अस्तित्व ही न होता अगर असमय युद्ध विराम न किया होता। वो युद्ध विराम किया, उसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का मसला खड़ा है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये भूल के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का मसला खड़ा हुआ है। जब 370 हटाते थे, संघ छोड़कर कांग्रेसी दोनों सदनों में भाषण करते थे, रक्त रंजित हो जाएगी भूमि, खून की नदियां बहेगी। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, आज तक 5 अगस्त से लेकर आज तक 22 सितंबर तक एक भी गोली चलानी नहीं पड़ी है, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। आप किसको डराते हो भाई? क्यों डराते हो? आपकी राजनीति आगे करने के लिए? कश्मीर की जनता आज 370 हटाने के बाद शांति से अपना जीवन पारित कर रही है। मोदी जी के आने के बाद ये परिवारवादी पार्टियां जो राजनीति को अपनी बपौती मानती है, ऐसी पार्टियों के नींव हिलने लगे। हिलने लगी या नहीं हिलने लगी भी बताओ जरा? एनसीपी वाले डरते हैं या नहीं डरते हैं? ये कांग्रेस वाले डरते हैं या नहीं डरते हैं? मित्रों, अब कश्मीर के भी अंदर ये परिवारवादी पार्टियों का सफाया होने वाला है।